हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ साइंस में चैप्टर फोर था प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। आगे के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा कि हम लोग एनिमल्स को और एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने टॉपिक देखे थे केयरिंग फॉर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स और कन्वर्जेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो हम लोग घर पे एनिमल्स को पालते हैं उनको हम किस तरह से शेल्टर दे सकते हैं, उन्हें फूड देना चाहिए, हमें अच्छा हेल्दी फूड क्लीन वाटर देना चाहिए। ठीक है, और अगर डॉग्स हम लोग घर पे पालते हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम उनके इंजेक्शन हमें उन्हें देने चाहिए। एनिमल्स अगर हमने डोमेस्टिक एनिमल हमने कोई पेट अगर हमने घर पे रखा है, वो बीमार है, सीक है, ठीक है, उसे कोई डिसीज़ है, तो हमें वेटरनरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये हमने इसमें देखा था आगे के लेक्चर में। और हमने ये भी देखा था कि जैसे कि कुछ एनिमल्स जो है एलिफेंट्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, राइनोकरस, ये सारे जो एनिमल्स है उन्हें कुछ प्रोडक्ट के एनिमल्स की जो प्रोडक्ट होती है जैसे कि टीथ है, उनकी स्किन है, उनके लिए उनको किल मार दिया जाता है और उनकी प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमाया जाता है। ठीक है, द स्किन ऑफ एनिमल्स सच एज स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल इज़ यूज टू मेक हैंडबैग एंड वॉलेट्स, यानी कि जो क्रोकोडाइल और स्नेक जो होती है उनकी स्किन में से हैंडबैग्स और वॉलेट्स बनाते हैं। राइनोकेरस आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स, यानी कि राइनोकेरस जो एनिमल्स है उनके हॉर्न्स के लिए उन्हें हंटेड मार दिया जाता है। और बहुत सारी जो उनकी प्रोडक्ट्स जो होती है जैसे कि एनिमल्स की जो उनकी जो नंबर्स ऑफ एनिमल्स है जो रिड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके प्रोडक्ट के लिए जो हंटर है पीपल जो है प्रॉफिट कमाने के लिए उनको किल करते हैं और उनकी प्रोडक्ट बेचते हैं, जिससे क्या है कि उनकी जो एनिमल्स नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो कम हो रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ जो है वो इन डेंजर है, या फिर हम ऐसे बोले कि वो लुप्त हो जाएंगे। एक टाइम जब आएगा कि हमें वो एनिमल्स देखने नहीं मिलेंगे, जैसे कि रियानोकेरस, टाइगर, लायन एंड इन डेंजर एंड गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रही है। यहाँ पर टाइगर है, एलिफेंट है, रियानोकेरस है, लायन है, ये सारे बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलते हैं, जिससे उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। ओके, टुडे वी हैव स्टार्ट टॉपिक नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, यानी कि गवर्नमेंट जो है ऐसे एनिमल्स को नेशनल पार्क बनाती है या फिर कोई सेंचुरी जहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पर कोई भी इंसानों की आने जाने की परमिशन नहीं होती है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ सेटअप नेशनल पार्क एंड सेंचुरी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, यानी गवर्नमेंट ने ये बनाए हैं नेशनल पार्क और सेंचुरी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल पार्क is an area of land set aside by the government to protect plants and animals inside a national park. No one is allowed to do the following things. यहाँ पर उनको प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और पीपल या फिर कोई किसी को भी अलाउड नहीं होता है उन्हें मारने का, फिर कोई डिस्ट्रॉय करने का। ठीक है, हंट और किल एनिमल्स, यानी कि किसी को एनिमल को मारने का या फिर उन्हें किल करने का यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। डिस्ट्रॉय प्लांट, यानी कि प्लांट को नुकसान नहीं कर सकते, ग्रेज कैटल। ठीक है, सम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर एज फॉलो, यहाँ पर नेशनल पार्क्स के नेम दिए गए हैं, आपको देखने हैं। इसे नेशनल पार्क है जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट प्रोटेक्ट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क है सुंदरबन। काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, काजीरंगा आसाम में है। नेशनल झुंडी नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। एराविंकुलम नेशनल पार्क इन
केरला, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क है इन डिफरेंट स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज द नेचुरल होम ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ वो ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लांट और एनिमल के लिए एक नेचुरल होम बनाया है जहाँ पर वो रह सकते हैं। इन ऑर्डर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ को बचाने, जो जंगली जंगल की जो जीवन है, ठीक है, उनको बचाने के लिए ऐसा उन्हें कंजर्व किया जाता है। पीपल कैन नॉट एंटर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विदाउट परमिशन, यानी कि लोग जो पीपल जो होते हैं उन्हें परमिशन के बिना वहाँ पर अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती है, अब बिना परमिशन के वहाँ पर अंदर वे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड एंड द एनिमल्स फाउंड देयर आर गिवन बिलो। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट और एनिमल्स है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ है, किस स्टेट में, और वहाँ पर कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे कि राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉर्मली नोन एज द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसे ऐसे भी जानते हैं कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, वहाँ पर वैसे भी उस सेंचुरी को नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, वहाँ पर टाइगर पैंथर स्लोथ बियर ये सारे एनिमल्स प्रोटेक्ट किए गए हैं। अभी ओडिशा में है चिलिका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झारखंड में हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान में है सरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ओडिशा के जो चिलिका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर ब्लैक बग है ना, फ्लेमिंगो ये सारे एनिमल्स हैं। झारखंड में जो ये हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड बोर स्लोथ बियर और हाइना इनको प्रोटेक्ट किया गया है। केरला में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर नीलगिरी तार, नीलगिरी तार और टाइगर एलिफेंट इन एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है। राजस्थान में सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर लेपर्ड और पैंथर ये